आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि आपके पास भी समय की कमी है सर, दुनिया में एक हल्ला मचा हुआ है, खासकर इंडिया में एक प्रोपेगेंडा तो नहीं कहूंगा इसे, लेकिन एक ट्रेंड है कि लोग कह रहे हैं कि नेक्स्ट बिग थिंग इज इंडिया, इंडिया विश्व गुरु बनेगा। नो बेटर पर्सन देन यू, क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस है, जो आपका साइंटिफिक फाइंडिंग्स है और जो आपका एनालिटिकल और लॉजिकल माइंड है, मैं जानना चाहता हूं सर क्या ये पॉसिबल है, और अगर है तो कैसे? सर ये पॉसिबल है, हमारे नेताओं को आज समझ लेना चाहिए जो मैं आपके सामने बातें कह रहा हूँ। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो किसी बड़े आदमी के मुंह से आएंगी तभी मानी जाए, लेकिन मैं बेस के साथ कह रहा हूँ। पहला, ये सब जानते हैं, वसुधैव कुटुंबकम वर्ल्ड इज वन फैमिली, वसुधा ही कुटुंब है उदार वृत्ति वालों का, ठीक है जी। लेकिन ये हम कब से कह रहे हैं? ये हम तब से कह रहे हैं जब आज के बहुत सारे डेवलप्ड देशों ने उंगली पकड़ कर भी चलना नहीं सीखा था। तो पहली बात, वी आर द बिगिनर, वी आर द स्टार्टर ऑन दिस इशू। सेकंड बात, 1893 में स्वामी विवेकानंद जब शिकागो में गए तो उन्होंने कहा यूनिवर्सल रिलीजन, क्या आज से पहले या उनके बाद आज तक किसी ने यूनिवर्सल रिलीजन की बात की? यूनिवर्सल रिलीजन का ये मतलब नहीं है कि क्रिश्चियन हिंदू हो जाए और हिंदू मुसलमान हो जाए, दैट इज नॉट द थिंग। इट वाज ए रिलीजन व्हिच इज मेंट फॉर द ह्यूमन काइंड, जो मानवता के लिए रिलीजन हो, जो पूरी दुनिया के लिए एक रिलीजन हो, ये शुरुआत में हिंदुस्तान में भी। तीसरा पॉइंट, अभी लेटेस्ट पेंडेमिक में क्या ये सच नहीं है कि हाइड्रो ऑक्सीक्लोरोक्विन हमने अमेरिका को दिया मेडिसिन? क्या ये सच नहीं है कि हमने अपने आदमियों की जरूरतों को नजरअंदाज करके वैक्सीन दूसरे देशों को भेजा? क्या ये फिलेंथ्रोपी का एक उदाहरण नहीं है? हमने भेजा, क्या और किसी कंट्री ने भेजा? एट द कॉस्ट ऑफ देयर ओन पीपल, वी डिड इट एट द कॉस्ट ऑफ आवर ओन पीपल। नाउ आई ब्रिंग आउट वन मोर थिंग, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देर इज वन आर्टिकल, इट्स नंबर इज 51। आर्टिकल 51 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज कि हमें इंटरनेशनल लेवल पर व्यवस्था कायम करनी चाहिए, हमें उसमें सहयोग देना चाहिए, हमें विश्व सरकार की तरफ काम करना चाहिए, आवश्यकता पड़ने पे पार्ट ऑफ द सोवरेनिटी इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी दे देनी चाहिए, कुछ वर्ड्स को दिस इफेक्ट। क्या किसी और कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात डाली गई क्या? अलावा जापान के, मैं आई एक्सेप्ट किया इट इज देयर, और जापान ने भी कब डाली? जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उनका पूरी तरह नाश हो गया था तब उन्होंने ये डाली कि हम आइंदा कोई लड़ाई नहीं लड़ेंगे, लेकिन इंडिया ने भी वो डाली। आई गिव यू वन मोर थिंग, 1999 में लखनऊ के CMS यानी के सेंटर ऑफ मेडिकल साइंस के कुछ स्टूडेंट्स ने 1,00,000 लोगों के सिग्नेचर कराए ऑन बिहाफ ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ अर्थ, और उन्होंने एक अपील लिखी, और वो अपील किसको लिखी? UNO के सेक्रेटरी जनरल, उन दिनों में कॉफी इनाम थे, उनको ये अपील लिखी, और अपील में ये कहा गया कि आप एक विश्व सरकार बनाइए जो न्यूक्लियर वेस्ट को रोक सके, जो एक्सप्लॉयटेशन को रोक सके, जो पॉवर्टी को खत्म कर सके, और जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन दे सके, और जो फेडरल हो अपने स्ट्रक्चर के अंदर। इस किस्म की बातें लिख के एक अपील लिखी, जब वो अपील लिखी तो उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ न्यूजीलैंड, प्रेसिडेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड मैनी अदर कंट्रीज ने सपोर्ट किया। वो अपील कोफी अनान के पास गई, कोफी अनान ने कहा कि ठीक है मैं इसको अपनी मिलेनियम समिट में रखूँगा। मिलेनियम समिट 2000 में हुई, ये चीफ मेन एजेंडे में एक पॉइंट था, द अपील फ्रॉम लखनऊ ऑफ इंडिया, बट नो वन स्पोक ऑन इट। नाउ दिस इज हाउ द वर्ल्ड हैज फॉरगॉटन, बट इंडिया डिड मेक ए अपील इन 1999। नाउ आई ब्रिंग आउट द लास्ट पॉइंट, 26 जून 1945 को यूनाइटेड नेशंस के चार्टर पर हस्ताक्षर करते समय हिंदुस्तान के प्रतिनिधि डॉक्टर आर्कट रामचंद्रन रामास्वामी मुरलियार, एक्सेप्शनल पर्सन, उन्होंने ये कह दिया कि मैं तब साइन करूंगा जब ये तय करेंगे कि वीटो पावर 10 साल से ज्यादा नहीं रहेगी।
10 साल में इसकी समीक्षा की जाएगी, और अगर 10 साल में समीक्षा नहीं की गई तो 10वें साल में सिंपल मेजोरिटी से इसे हटाया जा सकता है। ये बात को यूएन चार्टर की क्लॉज 109 सब क्लॉज 3 में डाल दिया गया, जो आज है इंटरनेट पर चेक किया जा सकता है। लेकिन 10 साल हो गए, एजेंडे में भी था, डिस्कस नहीं हुआ। अब सवाल उठता है कि हिंदुस्तान के प्रतिनिधि ने ये शर्त लगाई थी वीटो पावर को खत्म करने की, हिंदुस्तान ने इतने सारे काम किए, क्या अब हिंदुस्तानी सरकार को जनरल असेंबली में ये आवाज नहीं उठानी चाहिए कि 1955 यानी कि 10 साल खत्म हो जाने के बाद वीटो पावर मर चुकी थी, हम एक मुर्दे को तब से आज तक ढोते चले आ रहे हैं, नाउ देयर इज नो पॉइंट, सारे जनरल असेंबली के नेशन जो हैं वो उनके साथ आ जाएंगे। वाई शुड वी एक्सेप्ट द सुजरेनिटी ऑफ दी P5 और परमानेंट 5 नेशंस जो वीटो पावर का इस्तेमाल करते हैं। 99% प्रॉब्लम्स आर बिकॉज ऑफ दिस P5। इंडिया कैन टेक द लीड एंड इंडिया एंड इंडिया अलोन कैन टेक द लीड बिकॉज ऑफ द पॉइंट व्हिच आई हैव गिवन टू यू। हेंस वी डू नॉट से कि भारत को नेतृत्व के ग्लोबल लीडरशिप में पहली पंक्ति में रखो, हम ये कहते हैं कि ग्लोबल लीडरशिप की पहली पंक्ति के पहले स्थान पर हिंदुस्तान को रखा जाना चाहिए। वंडरफुल दोस्तों, ये बातचीत जो सर के साथ है ये बहुत लंबी चल सकती है, क्योंकि सर का जो एक्सपीरियंस है, सर का जो लॉजिकल माइंडसेट है वो हम सब सुनना चाहते हैं, सब समझना चाहते हैं। हम सर के कुछ लाइव लेक्चर्स जो है कोशिश करेंगे कि आप तक वीडियो के माध्यम से पहुंचा पाएं, लेकिन फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम, इट वॉज एब्सोल्यूट प्लेजर टॉकिंग टू यू सर, थैंक यू वेरी मच। अरे भाई सुनो अनमोल,